नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसी कहानी के साथ जिसका नाम ही है कि परहित के लिए सर्वस्व दान करना। वैसे भी कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दोस्तों, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसको एक ग्रह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्रह उसे खींचता, तब तब उसका क्रंदन, उसकी पीड़ा, उसकी आवाज़ और बढ़ जाती थी। श्री पार्वती दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक ग्रह के मुख में पड़ा थरथर कांप रहा था। माता पार्वती ने ग्रह से प्रार्थना की कि हे ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्रह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो भी तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता। माता पार्वती उमा बोलती हैं, हे ग्रहराज, इस बालक को तो तुम छोड़ ही दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्रह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूँगा। करुणामयी माँ ने तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्रह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही वह ग्रह मध्यान्ह के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, हे देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु माता पार्वती ने इसे स्वीकार नहीं किया। ग्रहराज ने देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आँखों से देवी की ओर देख कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। माता ने दुलार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर माता पार्वती बहुत ही संतुष्ट थी। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, हे कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है। तो दोस्तों, शास्त्र भी हमारा कहता है, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। जितना हम दूसरों के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, जितना हम दूसरे का हित करते हैं, उतना ही हमारा जीवन मंगल में होता है और कल्याण होता है। आशा करता हूं दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगती चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।